हे एवरीवन, तो आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो प्रॉब्लम है एरिथमेटिक स्लाइसेस। तो हम इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख लेते हैं। एन इंटीजर एरे इज कॉल्ड एरिथमेटिक इफ इट कंटेन्स एटलीस्ट थ्री एलिमेंट्स एंड इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स इज द सेम। तो इन्होंने ऐसे बोला है कि यहाँ पे एक इंटीजर एरे है वो एरिथमेटिक तब होगा जब उसका साइज कम से कम थ्री होगा और उसके सारे एलिमेंट्स का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। जैसे कि यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया हुआ है 13579, ठीक है। तो अगर मैं ये तीन साइज का एरे ले लूँ, ठीक है, तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है कि कम से कम तीन साइज होना चाहिए। तो इसका तीन साइज है और इसके जितने भी एलिमेंट्स है, देखो 1 और 3 का डिफरेंस 2 है और 3 और 5 का डिफरेंस 2 है, तो इसके कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स का जो डिफरेंस है वो भी सेम है। तो ये क्या है, ये एक एरिथमेटिक स्लाइस है हमारा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 579 की बात करूँ तो ये भी एक हमारा एरिथमेटिक स्लाइस है। नाउ गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, हमें एक एरे नम्स दे रखा है, ठीक है। रिटर्न द नंबर ऑफ एरिथमेटिक सब एरेज, हमें यहाँ पे एरिथमेटिक सब एरेज बताने हैं नम्स के। और सब एरे क्या होता है, अ सब एरे इज अ कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ एरे। तो हम इस प्रॉब्लम को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहले मान लो मेरे पास में यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, 1, 2, 3 और 4 दिया हुआ है। अगर मैं इसके सब एरेज बताऊं तो सब एरेज क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, देखो कंटिन्यूस ऑर्डर में एलिमेंट्स आने चाहिए, 1, 2 हो सकता है, 1, 2, 3 हो सकता है, 1, 2, 3, 4 हो सकता है, ठीक है। ये 1 के साथ आने वाले जितने भी सब एरेज है वो आ गए। अब देखो 2 के साथ आने वाले, अकेला 2 हो सकता है, 2, 3 हो सकता है, 2, 3, 4 हो सकता है, ठीक है। ये कौन से आ गए, हमारे 2 के साथ आने वाले सारे सब एरेज। ऐसे ही 3 के साथ आने वाले, 3 हो सकता है, 3, 4 हो सकता है, और 4 के साथ आने वाले तो हमारा एक ही सब एरे होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि एरिथमेटिक सब एरे चाहिए हमें, एरिथमेटिक चाहिए, और साइज क्या होना चाहिए, साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो देखो कौन कौन से आ सकते हैं, ये आ सकता है, ये आ सकता है और ये आ सकता है, तीन ही सब एरेज यहाँ पे आ सकते हैं। तो पहली कंडीशन तो इन तीनों सब एरेज ने सेटिस्फाई कर दी। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो सीक्वेंस है उसमें कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। अब देखो मैंने यहाँ पे एक बात बोली कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस आता किसमें, एपी में। देखो हमारी एपी की सीरीज कैसे होती है, ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है, ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2D एंड सो ऑन, इस तरीके की सीरीज होती है। तो हर टर्म में, मतलब अगर मैं इसका और इसका डिफरेंस निकालूं तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, डी होगा। अगर मैं इसका और इसका डिफरेंस निकालूं तो इसका डिफरेंस क्या होगा, डी होगा। इसका मतलब क्या है, ये सीरीज हमारी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी में है। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, हमें यहाँ पे एक तो ये देखना है कि साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, और दूसरा वो सारे जो टर्म्स हैं वो एपी में होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं इस 1, 2, 3 की बात करूँ, केवल अगर मैं इस 1, 2, 3 की बात करूँ, तो देखो इसमें और इसमें डिफरेंस देखो तो इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इसका और इसका डिफरेंस देखो तो इन दोनों का डिफरेंस 1 है, और देखो हमारा जो डिफरेंस है वो सेम है, कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स का डिफरेंस सेम है। मतलब क्या है, मतलब ये जो भी नंबर्स है ये हमारे एपी में है, ठीक है। तो ये वाला हमारा एक आंसर है, ठीक है, ये हमारा एक आंसर है, और मैंने यहाँ पे आंसर इक्वल टू 1 करा दिया। अब ये दूसरा वाला देखते हैं, तो 1, 2, 3 और 4 है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 1 है, मतलब
और साइज भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है और ये एपी में भी है, तो ये भी हमारा एक आंसर है। अब तीसरा हम देखते हैं ये वाला, तो देखो 2, 3, 4 इसका साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है और इसका डिफरेंस भी 1 है और इसका डिफरेंस भी 1 है, मतलब ये भी हमारा आंसर है। तो इस वाले एरे नम्स के लिए हमारे पास कितने एरिथमेटिक स्लाइस आए, 3 एरिथमेटिक स्लाइस आए। ये है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसमें हमें क्या देखनी है, दो कंडीशन देखनी कि पहला तो हमारा साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, दूसरा जो भी टर्म्स उसमें आ रहे हैं, जो भी नंबर्स उसमें आ रहे हैं वो हमारे एपी में होने चाहिए। ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें देखो दो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है एरिथमेटिक स्लाइस बनाने के लिए, कि सबसे पहला तो साइज बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए 3 के, दूसरा सीक्वेंस हमारा एपी में होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिया। अब देखो जब केवल मेरे पास एक ही एलिमेंट है तो उसके लिए तो हमारी पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कि जब मेरे पास केवल एक ही एलिमेंट है ना तो मेरे पास एक भी एरिथमेटिक स्लाइस नहीं है। ठीक है, अब मेरे पास कितने एलिमेंट्स आ गए, 2 एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, पर चाहे 2 एलिमेंट्स ही क्यों ना हो यहाँ पे, ये भी हमारा एरिथमेटिक स्लाइस नहीं होगा क्योंकि इसका साइज अभी भी 3 से छोटा है, तो यहाँ भी 0 आ गया। पर देखो हमारे पास यहाँ पे तीसरा एलिमेंट और आ गया, मतलब अब हमारा सीक्वेंस कैसा हो गया, कुछ इस तरीके का हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि ठीक है यहाँ पे हमारी पहली कंडीशन तो मिल गई कि साइज तो बड़ा या इक्वल हो गया 3 के, पर दूसरी कंडीशन जो कि कॉमन डिफरेंस है, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं इसका डिफरेंस देखती हूँ इसके पिछले एलिमेंट से, तो कितना आ रहा है ये 4 आ रहा है, और इस वाले एलिमेंट का डिफरेंस देखूंगी इसके पिछले एलिमेंट से, तो ये कितना आ रहा है 3 आ रहा है। क्या ये डिफरेंस और ये डिफरेंस सेम है, बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये भी हमारा एरिथमेटिक स्लाइस नहीं है, ये भी हमारा एरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है अभी तक, क्योंकि देखो एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए, एरिथमेटिक स्लाइस होने के लिए क्या होना चाहिए, कि हमारा साइज कम से कम 3 हो जाए और दूसरी कंडीशन की वो एपी में हो जाए, मतलब उनका कॉमन डिफरेंस सेम हो जाए। ठीक है, अब मैं आई यहाँ पे, तो मेरा सीक्वेंस क्या हो गया, इतना सीक्वेंस हो गया, वापस से मैंने क्या किया डिफरेंस देखा, तो पहले मैंने इसका डिफरेंस इसके जस्ट पिछले वाले एलिमेंट से देखा, तो ये कितना आया 3 आया, फिर मैंने इसके पिछले वाले एलिमेंट का डिफरेंस इसके पिछले वाले एलिमेंट से देखा, तो ये कितना आया हमारे पास 4 आया। अब देखो तुम यहाँ पे बोलोगे कि ठीक है हमने इसका डिफरेंस इसके साथ देखा, ये बात तो समझ में आती है, पर हमने इसका डिफरेंस इसके साथ क्यों देखा, इसका डिफरेंस हमने इसके साथ इसलिए देखा क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा एरिथमेटिक स्लाइस चाहिए जिसका साइज तो क्या हो 3 से बड़ा या इक्वल हो और कॉमन डिफरेंस सेम हो। तो अगर मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा एरे दे दूं, देखो यही एरे दे रखा है, तो इसमें कम से कम कितने साइज का एरिथमेटिक सीक्वेंस हो सकता है, 3 साइज का हो सकता है, और उसको चेक करने के लिए तो हमें हर एक एलिमेंट के कॉमन डिफरेंस को ही चेक करना होगा। ठीक है, तो देखो जब ये और ये ही सेम नहीं है, मतलब ये मिनिमम 3 साइज का ही एरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं बना पा रहा, तो आगे तो बिल्कुल भी नहीं बना पाएगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आए तो हमारे पास सीक्वेंस कितना हो गया, 2, 5, 9, 12, 15 इतना हो गया। ठीक है, साइज का कंस्ट्रेंट तो वैसे ही हट गया हमारा यहाँ पे, क्योंकि साइज तो इसका 3 से बड़ा या इक्वली है। अब हमने इसके पिछले वाले के साथ इसका डिफरेंस देखा तो कितना आया 3 आया, फिर इसका डिफरेंस इसके पिछले वाले के साथ देखा तो कितना आया 3 आया। अब देखो मैं ना इतना मैंने डिफरेंस देख लिया, बस मैं इसका डिफरेंस इसके साथ नहीं देखूंगी, इसका रीजन मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मैंने केवल इतना ही क्यों देखा, क्योंकि देखो हमें क्या चाहिए, एरिथमेटिक स्लाइस चाहिए जिसका साइज कम से कम क्या हो सकता है 3 हो सकता है और वो एपी में आ जाए। ठीक है, तो
इतना सीक्वेंस तो हमारा एरिथमेटिक स्लाइस बन ही रहा है, मतलब एक एरिथमेटिक स्लाइस तो हमारे पास बन ही रहा है। अब इसमें मैं प्लस करा दूंगी जितना भी पिछला एलिमेंट एरिथमेटिक स्लाइस बनाएगा। अब ये क्यों किया इसका इंट्यूशन बताती हूँ। देखो 15 से पहले तक में हमारे पास कितने एलिमेंट थे, 2, 5, 9 और 12, ठीक है। और 15 के आने के बाद हमारे पास कितना हो गया, 2, 5, 9, 12 और 15, ठीक है। अब ये वाला एलिमेंट कितने एरिथमेटिक स्लाइस बना रहा है हम उसको देखते हैं। तो ये इसके साथ में 3, ये इसके साथ में 4, ठीक है। तो ये वाला एलिमेंट तो एक भी एरिथमेटिक स्लाइस नहीं बना रहा है। इस वाले को देखते हैं कि क्या ये वाला एलिमेंट एरिथमेटिक स्लाइस बना रहा है क्या। तो ये डिफरेंस 3, ये डिफरेंस भी 3, कि हाँ इतना एरिथमेटिक स्लाइस तो ये बना ही रहा है। मतलब ये एरिथमेटिक स्लाइस होने की जो हमारी हमारे कंस्ट्रेंट्स है उनको तो फॉलो कर ही रहा है, ठीक है। अब आगे ये किसी के साथ भी मिलके, प्लस कराने का मतलब यही है कि ये अपने पिछले वालों के साथ मिलके भी एरिथमेटिक स्लाइस बना सकते हैं। क्योंकि देखो अगर इतना ये एरिथमेटिक स्लाइस बना रहा है तो ये वाला एलिमेंट अगर एरिथमेटिक सीक्वेंस बना रहा होगा तो इसके पिछले वाले एलिमेंट के साथ ही बना रहा होगा, तो ये वाला एलिमेंट भी तो उसमें सिंपली मिल सकता है। तो इस वजह से हमने ये ऐड करवा दिया यहाँ पे 1+0, ठीक है। आगे मैं और समझाऊंगी इसे कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे 18 पे आए तो हमारे पास कितना एरे हो गया, 2, 5, 9। देखो इनको लिखने की तो कोई खास मेरे को ऐसे ज़रूरत भी नहीं है, पर फिर भी मैं लिखूंगी यहाँ पे 15 और 18, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, 3 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, 3 आ रहा है। मतलब इतना तो हमारे पास एक एरिथमेटिक स्लाइस है ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 तो करवा दिया, प्लस ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है वो इसके पिछले वाले एरिथमेटिक स्लाइस में भी मिल सकता है। कैसे मिल सकता है मैं बताती हूँ। देखो जब मेरे पास 2, 5, 9, 12, 15 था, ठीक है। तो ये 15 कितना बना रहा था, इसके साथ मिलके डिफरेंस 3 आ रहा था, इसके साथ मिलके डिफरेंस 3 आ रहा था, तो इतना एरिथमेटिक स्लाइस तो बना ही रहा था। अब देखो यहाँ का डिफरेंस मान लो मेरा कुछ y है, ठीक है। ये डिफरेंस मेरा कुछ x है, ठीक है, और ये डिफरेंस मेरा कुछ z है, ठीक है। हमें पता है अगर इतना, मतलब अगर इतना हमारा एरिथमेटिक स्लाइस बना रहा है तो x इक्वल टू y होगा, ठीक है। और पिछला जो था, पिछला मतलब इस 18 को जब हमने नहीं लिया था तो हमारे पास कितना डिफरेंस आ रहा था, z डिफरेंस आ रहा था, जो कि किसके इक्वल था, इस वाले के लिए z इक्वल टू x था, ठीक है। तो देखो जब हमारा x इक्वल टू y है और z इक्वल टू x है तो इसका मतलब क्या हुआ कि z इक्वल टू हमारा y भी होगा। अरे जब इतना हमारे पास एक एरिथमेटिक सीक्वेंस है और इतना हमारे पास एक एरिथमेटिक स्लाइस है तो ये पूरा का पूरा भी तो एक एरिथमेटिक स्लाइस हुआ ना। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसके पिछले वाला ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब सेम हम यहाँ पे 22 पे आए, यहाँ पे देखो 22 और 18 के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है। 18 और 15 के बीच का डिफरेंस क्या है, 3 है। कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है, मतलब ये तो कोई एरिथमेटिक स्लाइस नहीं बना रहा है, ठीक है। अब मैं आई 26 पे, तो एलिमेंट कितना हो गया मेरे पास, 26 हो गया, यहाँ 22 हो गया, यहाँ 18 हो गया। मैं केवल 4 एलिमेंट्स को ही यहाँ पे लिखूंगी, यहाँ पे 15 हो गया। तो इसका डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया।
इतना डिफरेंस भी हमारे पास 4 आ गया, तो ये एक एरिथमेटिक स्लाइस तो बना रहा है, प्लस ये एलिमेंट अपने पिछले वाले के साथ मिलके भी और एरिथमेटिक स्लाइस बना सकता है, तो यहाँ 1+0 आ जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे 30 आ गया, तो देखो यहाँ पे 30 आ गया, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया, 4 है, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास 4 है, और बस इतना ही देखेंगे हम, ठीक है। तो इतना तो हमारा एरिथमेटिक स्लाइस है ही है, तो इतना तो आ ही जाएगा, प्लस इसका पिछला वाला जितने भी बना रहा है, तो इतने आ जाएंगे। अब देखो 34 पे आए हम, तो 34 भी यहाँ पे मैं ऐड कर लूँ, तो इसका डिफरेंस हमारे पास में 4 है, इसका डिफरेंस भी हमारे पास 4 है, तो इतना तो आ ही रहा है, प्लस पिछले वाले जितने बना रहे हैं उनके साथ मिल जाएगा ये, तो ये 3 हो जाएगा। ऐसे ही 36 के लिए, अब देखो यहाँ पे 36 आ गया, इसका डिफरेंस यहाँ पे 2 है और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 4 है, मतलब ये तो कोई हमारा एरिथमेटिक स्लाइस ही नहीं बना रहा, ठीक है। और जब हमारा यहाँ पे 38 आ गया, तो सेम इन दोनों का डिफरेंस तो 2 है और इन दोनों का भी डिफरेंस हमारे पास 2 है, तो ये हमारा एक एरिथमेटिक स्लाइस बना रहा है, प्लस जितने भी पिछले वालों के साथ मिलके ये बना सकता है, ठीक है। तो ये तो आ गए हमारे कि कोई भी एलिमेंट कितना, कोई भी एलिमेंट कितने एरिथमेटिक स्लाइसेस बता सकता है, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें नंबर ऑफ एरिथमेटिक सब एरेज निकालने हैं। तो इस एरे में टोटल एरिथमेटिक सब एरेज कितने हो जाएंगे इन सभी का काउंट, क्योंकि देखो ये क्या बता रहा है, ये तो हमारा बता रहा है कि अगर 15 आ जाए हमारे पास में तो ये कितने एरिथमेटिक स्लाइसेस बना सकता है, और निकालने तो हमें सारे ही है, तो हम क्या करेंगे इन सभी को ऐड करा देंगे। तो हमने सभी को ऐड कराया, तो हमारा काउंट कितना आ जाएगा, टोटल 10 एरिथमेटिक स्लाइसेस हैं, और ये ही हमारा आंसर है। तो ये हमारी सिंपल सी अप्रोच है एरिथमेटिक स्लाइसेस को निकालने की। अब हम इसके कोड को देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेक्टर int v लूंगी और इसको मैं नम्स डॉट साइज के इक्वल लूंगी, और जीरो से इनिशियलाइज करा दूंगी, ठीक है। एक int आंसर इक्वल टू 0 बना लूंगी, ठीक है। अब फॉर int i इक्वल टू, देखो कहाँ से शुरू होना चाहिए, कम से कम हमारा 3 साइज होना चाहिए, मतलब 2 से स्टार्ट होना चाहिए, तो i इक्वल टू 2, i लेस देन नम्स डॉट साइज कॉमा हमारा i प्लस प्लस आ जाएगा, ठीक है। अगर अगर मेरा नम्स ऑफ i माइनस नम्स ऑफ i माइनस 1 देखो, इसका इससे डिफरेंस, तो ये क्या है, नम्स ऑफ i है, नम्स ऑफ i माइनस 1 के साथ डिफरेंस, और नम्स ऑफ i माइनस 1 का नम्स ऑफ i माइनस 2 के साथ डिफरेंस, इक्वल इक्वल है नम्स ऑफ i माइनस 1 माइनस नम्स ऑफ i माइनस 2 के। तो ये हमारा एक एरिथमेटिक सीक्वेंस बना रहा होगा, 3 साइज का तो बना ही रहा होगा, साथ ही साथ बाकी इसका, बाकी इसके पिछले वाले के साथ मिलके बना ले, ठीक है। और हमने यहाँ पे काउंट प्लस इक्वल, सॉरी मैंने आंसर बनाया था, आंसर प्लस इक्वल वी ऑफ आई करा देंगे, ठीक है, और जो भी आंसर आएगा उसको हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। हमारा आंसर भी सही आ रहा है। तो ये जो अप्रोच थी सिंपल सी, ये सिंपल सा जो कोड था वो हमारा एरिथमेटिक स्लाइसेस का था। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ ऐसी ही और प्रॉब्लम्स, अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में कोई दिक्कत हो तो कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं अपनी अगली वीडियो उन्हीं क्वेश्चन पर बनाऊँगी। थैंक यू सो मच।